हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने मेगा स्टार सलमान भाई के अपकमिंग मूवीज के बारे में। मैं द बुल की बात नहीं कर रहा, मैं एआर मुरुगदास सर की मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी और मूवी की जो कि इन फ्यूचर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और आई होप कि जितने भी सलमान से सलमान भाई फैन है, इस डायरेक्टर के साथ अपने सलमान भाई को काम करते हुए तो आप लोग जरूर से देखना चाहोगे। तो वो कौन सा डायरेक्टर है जो कि सलमान भाई के साथ काम करना चाहता है और सलमान भाई भी उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता है, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सलमान भाई ने दो मूवी, वो तो आप लोगों को पता ही, एक है द बुल और दूसरा है एआर मुरुगदास सर के साथ। तो अभी फिलहाल ऑफिशियली यही दो मूवी है जो कि सलमान भाई करने वाले हैं। और इन दोनों मूवी के तरफ से फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे, शूटिंग वूटिंग जो भी चीज होगा, मैं जरूर से आप लोगों को अपडेट करने वाला हूं। लेकिन अभी जिस चीज को सुनने के लिए आप लोग इस वीडियो के अंदर आए हो, वो है जो मैंने आप लोग शुरुआत में कहा कि एक बड़ा डायरेक्टर अभी जो है सलमान भाई के साथ काम करना चाहता है और सलमान भाई भी उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता है। और ये दोनों इससे पहले भी काम कर चुके हैं। जब भी ये दोनों एक साथ आए हैं, तबाही हुआ है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर अली अव्वल जफर का, जो कि अभी फिलहाल अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ के साथ बड़े मियां छोटे मियां इस मूवी के अंदर बिजी है, जो कि रिसेंटली आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके इंटरव्यू के अंदर ही जो है अली अव्वल जफर ने जो है बम फोड़ा है। जी हाँ, मैं आप लोग रिकमेंड करूंगा कि अली अव्वल जफर का इंटरव्यू आप लोग जोर से सुने। अगर आप लोग अली अव्वल जफर के फैन है, उनके डायरेक्शन के फैन है, उनके मूवीज के फैन है, उनके मूवीज देखना पसंद करते, जिस तरीके से वो डायरेक्शन करते, जिस तरीके से वो एक्शन मूवीज करते हैं, लिखते हैं, डायरेक्शन जो भी चीजें हैं, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो वही उनके इंटरव्यूज आप जरूर से सुनिए। क्योंकि वो जब भी कुछ भी बोलते हैं उनके अपकमिंग मूवीज को लेके, बहुत ही मतलब मस्त वे में चीजें बोलते हैं और उनको इंटरव्यू के अंदर सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ठीक इसी तरीके से हाल ही में एक प्रेस मीट चल रहा था जहां पे बड़े मियां छोटे मियां का प्रमोशन टाइप कुछ चल रहा था प्रेस मीट, तो वहां पे एक रिपोर्टर ने अली भाई से डायरेक्टली पूछा कि सलमान खान के साथ आप कब काम करेंगे, आपका नेक्स्ट मूवी सलमान खान के साथ कब होने वाला है। क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसको देखने के बाद सलमान भाई ने खुद से जो है अली अव्वल जफर को कॉल किया और उनको कहा कि उनको ट्रेलर जो है काफी ज्यादा पसंद आया, उनका काम जो है सलमान भाई को काफी ज्यादा पसंद आया। और उन्हें खुद जो है कहा कि मैं ट्वीट करूं या फिर ना करूं, एक फनी वे में वहां पे कहा था। तो वो भी चीज जो है अली अव्वल जफर ने जो शेयर किया प्रेस के अंदर कि सलमान भाई ने इस तरीके से उनको कहा। तो जब उस रिपोर्टर ने अली भाई को ये पूछा कि आप कब काम करने वाले सलमान भाई के साथ, तो उन्होंने ये चीज कहा, इंशाल्लाह वेरी सून। मतलब इस चीज से ये तो एकदम क्लियर है कि अली अव्वल जफर के दिमाग में ये बात है और वो चाहते हैं सलमान भाई के साथ काम करना। और मैं आप लोगों को अपडेट के अकॉर्डिंग बता दूं कि एक हाई ऑक्टेक एक्शन फिल्म के लिए सोच रहे, अभी फिलहाल ये रूमर ही कह सकते हो, लेकिन सोच रहे कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ अली अव्वल जफर जो है टेक ऑन करेंगे। लेकिन वो तभी करेंगे जब ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ अगर सक्सेसफुल होता है, ये जो मूवी उन्होंने बनाई है, क्रिएट की है, ये अगर अच्छा बिजनेस करता है, ये अगर अच्छा हो जाता है पैनामे में, तो शायद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, जो कि अली अव्वल जफर ने सोचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी फिलहाल इस मूवी के बाद वो अपने फैमिली को टाइम देंगे, घूमेंगे, एंड देन उसके बाद जब वो वापस आएंगे, अगर ये मूवी अच्छा होता है तो उनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उनको थोड़ा साइड करेंगे, शायद सलमान भाई के साथ वो मूवी कर सकते, इस तरीके का अभी फिलहाल ये चल रहा है। आने वाले टाइम में अली अव्वल जफर और सलमान भाई को लेकर कुछ भी होता है या फिर कोई भी इंटरव्यू के अंदर कुछ भी ऐसे कुछ होता है तो मैं जरूर से आप लोगों को बता दूंगा, या तो वीडियो बना के या तो कम्युनिटी। वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल थोड़ा मैं बिजी, जब भी दोस्तों मुझे मौका मिलता है मैं जरूर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और आज वही दिन है, मेरे को थोड़ा सा मौका मिला और मेरे पास कुछ अपडेट्स था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी भाई लोग हैं और जितने भी सलमान से सलमान भाई फैंस है, आप लोगों का ये ड्रीम है कि फिर से जो है हम अली अव्वल जफर और सलमान भाई ये कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं। तो आई होप कि ये जो आप लोगों का सपना है ये बहुत ही जल्दी पूरा हो। और अभी फिलहाल ये सभी चीजें देख के तो लग रहा है कि ये जरूर होने वाला है, टाइम लगेगा बट होगा जरूर, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बनने के लिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद ही जो एक बेटर बढ़िया प्रोडक्ट बन के आता है। तो अभी फिलहाल सलमान भाई अपने करियर को लेके काफी सीरियस है और मूवीज को भी एकदम चुन चुन के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सलमान भाई एकदम जौहरी हो चुके हैं, यानी हीरे का जो परख है वो जौहरी समझता है, तो वो एकदम हीरा चुन रहे हैं अपने मूवीज के लिए, डायरेक्टर भी उस तरीके से और स्क्रिप्ट भी उस तरीके से।
तो आई होप कि आने वाले टाइम में चीजें बहुत बेहतरीन होगा। और क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। मैं एक्साइटेड हूँ अली अबर जफर और सलमान भाई के इस कॉम्बिनेशन के लिए। देखते आने वाले टाइम में जो भी होता है, द बुल, एआर मुरुगदोस सर के साथ मूवी, जो भी चीजें होगा आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर आ जाएगा। या तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना, जो भी अपडेट आएगा, जो भी चीजें होगा, या फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो भी पहले से मैं कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दूं। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।